आज हम बना रहे हैं आलू का भरता, जो बहुत ही इजी ट्रिक से मैं बनाने जा रही हूँ बिना प्याज के। जो प्याज नहीं पसंद करते हैं वो सिर्फ कड़ी पत्ते के साथ हम ये आलू का भरता ट्राई कर सकते हैं। और झटपट ही बनकर हमारा आलू का भरता तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने बॉयल आलू ले लिए हैं, आप देख रहे हैं थोड़ी सी हमने राई ली है, कड़ी पत्ता है और हमने कटी हुई हरी मिर्ची ले ली है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है इंस्टेंट, और हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हमारे आलू को, तो ताकि इसमें कोई लम्ब्स ना रहे। थोड़ा बारीक, अच्छे ज़्यादा नहीं करना है, आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छे से मैं इन्हें मैश कर लूँगी। ये बहुत ही ईजी रेसिपी है, हम बिना प्याज के इसे बनाएंगे तो ये अच्छा भी लगता है और जल्दी तैयार हो जाता है। आप बच्चों को नाश्ते में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हैं, इजी रेसिपी है। इसमें मैं यहाँ थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ और थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ये हम इधर हमने तेल को रख दिया है गरम करने, और जो हमने थोड़े से मसाले लिए थे इन्हें हम थोड़ा तेल में फ्राई कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा अच्छे से फ्राई हो गए हैं, ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा ही इन्हें कुक करेंगे हम, ज़्यादा नहीं करेंगे। अब जैसे ही हमारी कुक हो जाते हैं, जो हमने आलू को मैश किया हुआ है, हमारे जो आलू हैं मैश किए हुए, हम उन्हें भी इसी में मिक्स कर देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे बस थोड़ा थोड़ा डालकर, ताकि ये भी अच्छे से, वैसे तो हमारे बॉईल है आलू तो इतना ज़्यादा नहीं हमें कुक करना है, थोड़ा ही कुक करना है। हम धीरे धीरे चलाते हुए आहिस्ता आहिस्ता इसे कुक कर लेंगे, जितना कि वैसे तो आलू बॉईल हो चुका है तो ये पक ही चुका है ऑलरेडी। कड़ी पत्ते और हरी मिर्ची के साथ, राई के साथ इसका मज़ा अलग हो जाता है। ये देखिए हमारा जो भरता है आलू का झटपट बनकर तैयार हो जाता है, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी।